हेलो दोस्तों, कीवी कुकिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर तो कई तरह से बनती है, लेकिन आज हम ढाबा स्टाइल पालक पनीर बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बंच पालक लिया है, जिसके साइड्स को कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है, और 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको क्यूब्स में काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, दो बारीक कटी हुई प्याज ली है, एक बारीक कटा हुआ मैंने टमाटर लिया है, 3 से 4 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, एक तेज पात लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, और 2 सूखी लाल मिर्च ली है, 2 लौंग लिया है, एक हरी मिर्च ली है, एक बड़ी इलायची ली है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। मैंने 3 से 4 स्पून दही लिया है जिसको अच्छे से फेंट लिया है। मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ले रही हूँ, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। सबसे पहले गैस पे हम एक गहरा बर्तन रखेंगे। मैंने यहाँ भगोना टाइप से मेरे पास था, मैंने उसको रखा है, और इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया और जो वॉश करके मैंने पालक रखी थी उसको इसमें डाल दिया है। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं पालक हमारी यहाँ पे एकदम सॉफ्ट हो गई है। दूसरे साइड में मैंने एकदम ठंडा पानी लिया है, उसमें ये सारी पालक निकाल करके उस चिल्ड पानी में हम डालेंगे। इससे हमारे पालक का कलर भी बना रहेगा और पालक पीसने के लिए हमारी ठंडी भी हो जाएगी। अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है, आप बर्फ डाल करके पानी को एकदम चिल्ड कर लीजिए। मैं यहाँ मिक्सिंग जार में पालक डाल रही हूँ, सारे पालक को डाल देंगे, और इसमें एक हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं हमारी पालक पीस के एकदम तैयार है, इसका टेक्सचर कुछ ऐसा आएगा। अब गैस पे हम एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और मैंने जो पनीर क्यूब्स में काट के रखी थी उसको इसमें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। वैसे तो आप पालक पनीर में कच्चा पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्राई करने पर उसका टेस्ट अलग आता है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करें, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करें। मैं देखिए, आप मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी। आप पूरा घी में भी बना सकते हैं और तेल में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो दालचीनी का टुकड़ा और 2 सूखी लाल मिर्च, लौंग, इलायची जो लिया था, मैंने उसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मैंने अदरक लहसुन का जो चॉप किया था उसको डाल करके अच्छे से हल्का ब्राउन होने देंगे इसको। ये लहसुन और अदरक ब्राउन हो गई मेरी थोड़ी सी। अब मैं जो 2 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है उसको अच्छे से इसमें डाल करके भून लेंगे। इसको भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे, इसको लगातार चलाते रहें। मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर को बारीक चॉप ही किया है, मैंने फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। आप चाहें तो फाइन पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल में अक्सर बारीक चॉप ही करके बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे, मेरी प्याज भून गई थी, मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि हमारी टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए। लगातार इसको चलाते रहें। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ही रखें।
अब इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का सा भून लें और इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दें। बीच में इसको ओपन करके चलाते रहेंगे और मैंने यहाँ ओपन करके थोड़ा सा इसको चलाया और इसमें थोड़ी सी हींग ऐड किया है। हींग से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप अगर हींग नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए और सॉफ्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं हमारी टमाटर और प्याज एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर जो फेटा हुआ मैंने दही लिया था, मैं 3 टेबल स्पून यहाँ पर पहले दही ऐड कर रही हूँ। एक साथ नहीं ऐड करेंगे, मैं पहले 3 टेबल स्पून ही ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। लगातार इसको चलाते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। यहीं पर मैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून 1/4 कप मैं यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा और सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दिया। और जो बचा हुआ मेरा दही का पेस्ट था, जो फेट के मैंने दही रखा था, उसको भी ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। मिर्चे की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने कम ही यहाँ पे मिर्चा ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे जो पिसी हुई पालक, धनिया और मिर्च रखे थे उसको ऐड कर रहे हैं और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करते रहे। मैंने गैस की फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा छटकने लगेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और कवर करके थोड़ी देर पालक को हम पकने देंगे। आप देख सकते हैं हमारी पालक एकदम पक गई है। अच्छे से इसे मिक्स करें फिर से। मैं यहाँ पर घर की मलाई थी, मैंने उसको अच्छे से फेंट लिया है और मैं 2 से 3 स्पून यहाँ पे मलाई ऐड कर रही हूँ। आप मार्केट की भी मलाई ऐड कर सकते हैं, लेकिन घर की मलाई की कुछ बात ही अलग है, उसका टेस्ट ही अलग आता है, इसलिए मैं घर का ही मलाई ऐड कर रही हूँ। अच्छे से उसे फेंट लिया है और इसे अब मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पालक में हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम ही रखी हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ, बटर की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर चला लेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको फिर से मैंने ढक के पका लिया और आप देख सकते हैं मेरी पालक एकदम अच्छे से पक चुकी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो पनीर हल्का फ्राई करके रखी थी उसको ऐड कर लूंगी और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर हमारी यहाँ, पालक पनीर बनके हमारे यहाँ एकदम तैयार है। अगर आपको नमक कम लगे तो ऊपर से आप थोड़ा सा ऐड करके इसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पालक पनीर मेरी एकदम तैयार। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा पनीर से मैं इसको गार्निश कर ली हूँ। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें।
बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार जरूर इसे ट्राई करें और मेरे